फ्रेंड्स, कीबोर्ड शॉर्टकट का ये तीसरा वीडियो है और आज हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 10 शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज पहला शॉर्टकट की मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो हम यहाँ से कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एन का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ देख सकते हैं एक शॉर्टकट के सहारे यहाँ पे फोल्डर बन चुका है फ्रेंड्स। एक बार और मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन के, ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन करने से, ये एक बार और मैं करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन, ये करने से आप नया फोल्डर बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए मैं दूसरे शॉर्टकट की बात करता हूँ। अगर मुझे ये फोल्डर को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट तो किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ ये फ़ोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाए, तो उसके लिए इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है और शिफ्ट बटन के साथ आपको डिलीट बटन प्रेस करना है और आप यहाँ से यस पे क्लिक कर देंगे, ये फ़ोल्डर परमानेंट डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है कि परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट है, तो आप कह सकते हैं शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए थर्ड शॉर्टकट क्या है। देखिए हमारे पास एक फाइल है, मैं इसका प्रॉपर्टी जानना चाहता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके लिए शॉर्टकट है। वैसे तो प्रॉपर्टी जानने के लिए आप राइट क्लिक करके यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्टकट की बात करूँ तो जी हाँ, शॉर्टकट के लिए हम लोग यहाँ से पहले तो सेलेक्ट कर लेना है और अल्ट के साथ, अल्ट बटन के साथ एंटर बटन प्रेस करिएगा, तो आप देखिए यहाँ से इसका प्रॉपर्टीज़ जान सकते हैं फ्रेंड्स। ये आज धमाकेदार तीसरी शॉर्टकट कीज़ है। चौथी मैं बात करूँ विंडोज़ आर के बारे में। विंडोज़ आर, देखिए मैं विंडोज़ के साथ यहाँ पे आर बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए रन कमांड खुल जा रहा है फ्रेंड्स। ये रन कमांड है, आप देख सकते हैं ये रन कमांड है, यहाँ से रन खुल जाता है। तो शॉर्टकट क्या है, विंडोज़ के साथ आर। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विंडोज़ के साथ आर बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ रन कमांड खुल जाता है, आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को खोल सकते हैं। जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो आप यहाँ से विन वर्ड टाइप करेंगे, इस तरीके से आप विन वर्ड टाइप करेंगे और आपका प्रोग्राम यहाँ से ओके हो जाएगा, खुल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा था कि आप कैसे किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, किसके सहारे, विंडोज़ आर के सहारे। तो विंडोज़ आर मीन्स ये रन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ विंडोज़ ई। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर खोलना है तो उसके लिए आपको विंडोज़ ई करना है, विंडोज़ के साथ ई। ये देखिए मैं विंडोज़ ई कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये फाइल एक्सप्लोरर, यानी कह सकते हैं कि माय कंप्यूटर आपका ओपन हो गया फ्रेंड्स। तो ये कमाल का शॉर्टकट है, आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। अगली शॉर्टकट में बात करता हूँ विंडोज़ डी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला था, मैं इसको मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से तो आप मिनिमाइज़ कर ही सकते हैं। ये देखिए ये मिनिमाइज़ का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मिनिमाइज़ हो जाएगा, लेकिन कीबोर्ड के साथ आप कैसे मिनिमाइज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो मिनिमाइज़ करने के लिए आप यहाँ से विंडोज़ बटन के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, और फिर से इसे खोलने के लिए फिर से आप विंडोज़ डी करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, है ना कमाल की फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मिनिमाइज़ करने के लिए एक और शॉर्टकट है, आप विंडोज़ के साथ एम बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर से ओपन करने के लिए विंडोज़ शिफ्ट के साथ एम का यूज़ करेंगे तब भी ये ओपन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्लियर कट बात है कि मिनिमाइज़ करने के लिए दो तरह का शॉर्टकट है, एक है विंडोज़ डी और एक है विंडोज़ एम, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आगे, अब है विंडोज़ अप एरो, डाउन एरो, लेफ़्ट एरो और राइट एरो। ये आप देखेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि
ये विंडो हमें रीस्टोर करना है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडो है इसे मुझे रीस्टोर करना है। तो रीस्टोर करने के लिए मैं यहाँ से विंडो के साथ डाउन एरो का यूज़ करूँगा, ये रीस्टोर हो जाएगा। और विंडो कभी ऐसा दिखाई दे तो इसे आप मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि फिर से आप इसे मैक्सिमम करने के लिए विंडोज़ के साथ अप एरो का यूज़ करेंगे। ये देखिए डाउन एरो, यहाँ से अप एरो, विंडो के साथ डाउन एरो, विंडो के साथ अप एरो। फ्रेंड्स, तो अप एरो डाउन एरो के अलावा आप विंडो के साथ लेफ़्ट एरो और राइट एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से विंडो को लेफ़्ट एरो यूज़ कर रहा हूँ, विंडो लेफ़्ट एरो ये देखिए, और विंडोज़ के साथ राइट एरो ये देखिए। तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अल्ट प्लस F4। अल्ट प्लस F4 भी एक कमाल का शॉर्टकट है। अगर आप इस विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो कर दीजिए, लेकिन आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन है, आप देखते होंगे, या देखिए क्लोज़ का ऑप्शन होता है। तो ये तो माउस से तो बंद हो सकता है, लेकिन कीबोर्ड से कैसे बंद होगा? तो उसके लिए आप अल्ट बटन दबाकर F4 बटन दबाएंगे। देखिए अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो यहाँ पे क्लोज़ करने का ऑप्शन आ गया, नो करना है, एंटर करना है। तो इस तरह से आप क्लोज़ कर सकते हैं अल्ट इंटर, अल्ट और F4 के साथ। नेक्स्ट और आज की लास्ट शॉर्टकट फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं विंडो में, यहाँ पे देखिए नीचे आप देख सकते हैं टास्क बार में, यहाँ विंडो बटन के साथ, यहाँ पे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ विंडो बटन के साथ, ये देखिए आइकॉन यहाँ पे दिख रहे हैं टास्क बार के, आप इनको ओपन कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स? बहुत इजी है, बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ। ये शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे, जैसे सपोज़ आपको यहाँ से ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ये गूगल क्रोम या ये कॉरल ड्रॉ का या मतलब कोई भी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, तो आप उसके लिए बस उसका नंबर दबा देंगे। जैसे विंडोज़ के साथ, जैसे मान लीजिए ये विंडो मीडिया प्लेयर है, विंडोज़ के साथ यानी ये विंडो जो बटन है इसके बाद इसका नंबरिंग कितना है, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो आइकॉन जिस पोजीशन पे है विंडोज़ के साथ उस बटन को दबा दीजिए, ये आइकॉन और ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से विंडो 1 करता हूँ, विंडो 1, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन, ये विंडो मीडिया प्लेयर ऑन हो गया है। अभी मैं यहाँ से देखिए मैं खोलना चाहता हूँ गूगल क्रोम को, ये आइकॉन को, तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5 नंबर में है, तो मैं यहाँ से विंडो के साथ 5 नंबर को क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है, तो अब देखिए ये विंडो ओपन हो चुका है गूगल क्रोम का। उसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी ऑन करना चाहते हैं तो पोजीशन देख लीजिए कितना नंबर पर है ये, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे है, तो विंडो के साथ मैं 7 को प्रेस करूँगा तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 शॉर्टकट कीज थे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू।